वहां भी छेद है क्या? हाँ, वही कार्टून मिलेगा। कार्टून कौन सा है ये? मतलब पानी वाला साबुन बोलते हैं इसका। अच्छा, बंद कर दूँ वीडियो? हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू भैया प्रकृति के संग में। तो दोस्तों, मैं आया हुआ हमारे अभी भैया के एकदम साथ श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा सर जी के यहाँ। तो मुझे मनीष तिवारी जी ने कॉल किया था कि सर के यहाँ सांप निकला है, और मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे मिला नहीं, सेकंड टाइम फिर आया तो ये चेकर्ड टेल पानी वाला सांप, ढूंढिया सांप बोला जाता है, और इसका रेस्क्यू सफलता मेरे द्वारा कर लिया गया है। और मैं सर से ही जानना चाह रहा था कि सर, ये जीवों को बचाने का रीज़न इको सिस्टम में जो फूड चेन है, इसके लिए क्या अवेलेबल है? कि मेरे घर में आज सांप होने की सूचना जब प्राप्त हुई तो फिर मैंने आपको मनीष जी के माध्यम से इन्फॉर्म कराया, तो आपने आकर के सांप को जीवित अवस्था में रेस्क्यू किया है। किसी भी प्राणी को हमको जीवित अवस्था में रेस्क्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक पूरी पूरी फूड चेन रहती है। सांप कुछ वैसे कीड़ों को खाते हैं जो कि संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम सांपों को मार देंगे तो वो उसको संख्या बढ़ जाएगी, तो उससे इको सिस्टम में डिसबैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ प्राणी हैं जो कि सांपों को खाते हैं, तो अगर हम उनको मार देंगे तो उसमें कमी आ जाएगी, डिसबैलेंस आ जाएगा। बट हमने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो है आपका नंबर भी आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर करें, तो अगर कहीं इस तरीके की घटनाएं आती हैं कि सांप होना पाया जाता है तो आप जाकर रेस्क्यू करें। और ये बारिश का सीज़न है, इसमें कीट और सांप इस तरीके की चीज़ें बाहर निकल करके आती हैं और जनहानि भी इसमें होती है, पशु हानि भी होती है। तो सावधानी बरतते हुए सभी लोग सावधानी बरतें, इसका मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू सर। क्या नाम भी आपका? मंगेश ठाकुर। आपने सांप जो मेरे हाथ में है अभी, ये सांप, इसको आपने कब देखा था? मैंने रात में करीब 11:30 बजे रात में देखा था। तो 11:30 बजे, फिर उसके बाद आपने देखने के बाद क्या किया फिर आपने? मैं उसको देखते रहा, अंदर घुस जाता रहा और थोड़ी थोड़ी देर में निकलता था, थोड़ी देर निकालता था बाहर। हाँ। और फिर घुस जाता था, मैं रात भर बैठे बैठे देखते रहा, सुबह 5-6 बजे तक। तो रात भर सोए नहीं? नहीं, रात भर नहीं सोया। तो सांप से डरना लाजमी तो है हालांकि, तो ठीक है, आपने दिखाया तो दिख भी गया सांप, और थैंक यू आपको भैया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नहीं नहीं, हमारा तो काम ही है वो। किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सांप को रिलीज़ करने, जो हमारे अभी जो रेस्क्यू हुआ है हमारे बैहर के SDM साहब श्रीमान तन्मय वशिष्ठ शर्मा जी के यहाँ से रेस्क्यू हुआ है, और मैं इसको रिलीज़ करने आ गया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, ये मरने की एक्टिंग कर रहा है, ये अभी ऐसा पड़ा हुआ है जैसे मर चुका है। तो दोस्तों, ये डेथ प्रिटेंड करने का काम बहुत सातिर तरीके से करता है, ऐसा लगता है कि डेथ हो गया तो लोग छोड़ देते हैं और ये भाग जाता है, और ये पूछ अपनी तोड़ भी देता है, पूछ तोड़ के भी भागने वाला सांप कहलाता है। तो दोस्तों, इसको रिलीज़ करते हैं, और हमारे SDM साहब ने आप सभी लोगों से साझा की जानकारी कि सांपों को नहीं मारना चाहिए, ये हमारे फूड चेन का अहम हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सांपों को ना मारें, और हमारे नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, तो रेस्क्यू के लिए बुला लीजिए हम लोगों को। We'll be right back.